हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? कुशल मंगल? अब मुझे कुछ बातें बताओ। पहला, जब भी कहीं जंग पे जा रहे हो तो क्या कहा जाता है कि सबसे पहले क्या करो? जब भी कभी जंग पे जा रहे हो सबसे पहले क्या कहा जाता है? क्या करो? आशीर्वाद लेके जाओ। दूसरा, जब भी कोई एग्जाम देने जा रहे हो तब क्या कहा जाता है? क्या करो? आशीर्वाद लेके जाओ। जब भी कोई बहुत बड़ा संकट आने लगा हो तो क्या कहा जाता है? क्या करो? आशीर्वाद ले लो। तो जब हर संकट में आशीर्वाद काम करता है, हर मुश्किल में आशीर्वाद काम करता है, हर विरोधी के सामने आशीर्वाद काम करता है, हर शत्रु से के सामने आशीर्वाद काम करता है, तो फिर सीए के एग्जाम रूपी इस शत्रु के सामने आशीर्वाद काम कैसे नहीं करेगा? तो डेट इज वाई बोल देना अपने सभी छोटे छोटे भाइयों, बहनों, बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स को कि आ रहा है बैच, अर्ली बर्ड बैच आशीर्वाद। इसमें ये तो नहीं कहूंगा कि अनएकेडमी के सबसे बुजुर्ग आ रहे हैं, बट ये कहूंगा कि हां, सबसे एक्सपीरियंस्ड आ रहे हैं। और ऐसे लोग आ रहे हैं जो न केवल इंटर पढ़ाते हैं बल्कि फाइनल भी पढ़ाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में आप जान सकते हो कि वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस लेवल की रहती होगी। कि जो फाइनल पढ़ाता होगा, मैं चारों फैकल्टीज की बात कर रहा हूं आशीर्वाद के, ये चारों फैकल्टीज फाइनल भी पढ़ाती हैं, इंटर भी पढ़ाती हैं, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप जान सकते हैं कि किस लेवल की रहती होगी। तो इसलिए ये अर्ली बर्ड बैच है, और अपने छोटे छोटे भाइयों, छोटे छोटे बहनों, छोटे छोटे गर्लफ्रेंड, छोटे छोटे बॉयफ्रेंड सबको रिकमेंड करना। बोलो ना। हाँ,